कटनी में दिव्यांचल गार्डन कटनी में आज आयोजित हुआ विशाल विप्र सम्मेलन, जहां जिले सहित आसपास के सभी जिलों से पधारे हजारों ब्राह्मण बंधु। पहली बार कटनी की धरा में विशाल राष्ट्रीय ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां प्रदेश कार्य समिति सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य व गणमान्य पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। मंचासीन कार्यक्रम के अतिथि राष्ट्रीय संरक्षक DIG पंडित जुगल किशोर तिवारी, राष्ट्रीय सचिव अवधेश उमलिया आदि गणमान्य जनों ने अपने उद्बोधन में ब्राह्मण एकता पर बल देते हुए कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर कराने का संकल्प दिलाया। सम्मेलन में ब्राह्मणों को जहां राजनीतिक रूप से सत्ता में भागीदार बनने का संकल्प दिलाया गया, वहीं अपनी अस्मिता व सम्मान को पुनर्जीवित करने की स्मृति याद दिलाई गई। बताया गया कि आखिर किन वजह से ब्राह्मण दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहे हैं, आखिर वो कमियां कैसे मिटाई जा सकती है। आयोजित विशाल विप्र सम्मेलन में सजातीय ब्राह्मण बंधुओं का विशाल जमावड़ा देखने को मिला, जहाँ सभी के लालच में तिलक और गले गमछों से सुसज्जित रहे। बच्चे बूढ़े महिलाएं महासम्मेलन की शोभा बढ़ा रही थी। सबके सब जय परशुराम जयकारे से मंचासीन अतिथियों का मनोबल बढ़ाते दिखे। सम्मेलन में कटनी ब्राह्मण मंडल के अलावा यूपी बंगाल केरल के पदाधिकारी परिषद में उपस्थित रहे। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद एक सामाजिक संगठन है, जो विगत 10 वर्षों से समाज के विभिन्न वर्गों में, ब्राह्मण समाज के भी विभिन्न वर्ग हैं, चाहे व्यवसायी वर्ग हो, चाहे सेवा वर्ग हो, या सामाजिक सेवा में लगे हुए लोग, उनके बीच में जागरूकता पैदा कर रहा है। और जो अभी आपने जो बात कही, इस तरह के जो पूर्वाग्रह और भ्रांतियाँ जो समाज में फैली हुई हैं, उनको दूर करने का प्रयास जो हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसी क्रम में ये राष्ट्रीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित होता है देश के किसी न किसी भागों में। मध्य प्रदेश की कटनी टीम हमारी बहुत ही सक्रिय टीम है और बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, इसलिए ये सौभाग्य जो मध्य प्रदेश में भोपाल को मिलना चाहिए था एक तरह से, वो कटनी को मिला है। इसके लिए हमारे कटनी के जो बंधु हैं वो बधाई के पात्र। हमने आपको उद्बोधन में एक नई चीज़ सुनी, आपने कहा कि आपको अपने देश से लोग खड़े करने होंगे समाज में, जबकि ये भी चर्चा चल रही है कि आखिर हम क्यों राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते, हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमी है। देखिए, ब्राह्मण हमेशा से राजनीति का भी नेतृत्व करता रहा है, समाज का भी नेतृत्व करता रहा है, तो यदि राजनीति के क्षेत्र में भी ब्राह्मण आगे आकर के यदि नेतृत्व करता है, तभी सर्व समाज की बात हो पाएगी, क्योंकि एकमात्र ब्राह्मण ऐसा है जो सभी के कल्याण की बात पूर्वजों से करता चला आया। आज जितने भी आदर्श वाक्य हैं, जितने भी आदर्श चीज़ें बनी हैं, सब ब्राह्मण की देन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। चाहे वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना हो, ये ब्राह्मण ही इसका उद्घोष करता रहा है। चाहे राष्ट्रवाद को पुष्ट करने की बात हो, आज भी हमारा पुरोहित जब कोई पूजा कार्य प्रारंभ करता है तो राष्ट्रवाद की बात करता है, जिसमें जम्मू द्वीप भारतवर्ष आर्यावर्त इस तरह की बात करता है। इसलिए भारत को यदि सशक्त करना है, भारत में सर्व समाज के बीच में अगर स्थापित करना है, दुर्भाग्य से समाज में विखंडन विभिन्न कारणों से पैदा हो रहा है, यदि ब्राह्मण समाज आगे आकर के इसका नेतृत्व करेगा, ना कि ऐसे नेतृत्व के पीछे घूमे जो समाज को विभिन्न आधार पर खंडित करने का कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज यदि आगे आएगा तो वही सबको साथ में लेकर के कर रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल जो विगत में बने हैं और सत्ता में आए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसमें ब्राह्मण समाज की जब तक सहभागिता रही, तब तक यहाँ पर सर्व समाज के लिए नियम बने, कानून बने, जो पूरे समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो वंचित समाज है, और इसलिए पुनः आवश्यकता है इस देश को कि यह समाज आगे आए और अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करे और राष्ट्र का धर्म का हर क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आगे ये रथ कहाँ तक जाएगा? ये रथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। आज संयोग से यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है, ये भारत के सभी राज्यों में कार्य कर रहा है। समय समय पर अभी उत्तराखंड में मीटिंग हुई थी, हर राज्य में मीटिंग होती है, और ये रथ पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करेगा और विश्व के भी कई देशों में ये जागरूकता का अभियान चल रहा है और हमारी संस्था वहाँ पर काम कर रही है। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।